हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छी तैयारी चल रही है? घर पे बैठ के लॉकडाउन का आनंद उठा रहे हैं ना सब लोग? तो मैं हूं बच्चों, आपका प्यारा सा टीचर ए के रंजन, और आप वाच कर रहे हैं अपना लवली चैनल टर्निंग पॉइंट ऑफिशियल सब्जेक्ट साइंस। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए एक से एक धमाकेदार वीडियो। तो आज बच्चों, मैं आपके बीच लेकर आया हूं फॉर्मेट लॉ का वॉल्यूम नंबर 2, रिफ्रैक्शन लॉ ऑफ फॉर्मेट, मींस अपवर्तन का फॉर्मेट का सिद्धांत। तो बने रहिए मेरे साथ और वाच करते रहिए अपना लवली चैनल टर्निंग पॉइंट ऑफिशियल सब्जेक्ट साइंस। और ये है क्लास बच्चों 12th, और अब तक जिन विद्यार्थियों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो निश्चित रूप से रेड बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा प्रत्येक अपडेटेड वीडियो आपके पास ससमय पहुंचता रहे। तो आइए बिना समय गंवाएं सब लोग बैठ जाइए, कॉपी कलम निकाल लीजिए, किसी अच्छे स्थान का चुनाव कर लीजिए और हम लोग शुरू करते हैं इसी के साथ बच्चों फॉर्मेट लॉ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, फॉर्मेट ने बच्चों बताया था, आज हम लोग अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। सही है, यह एक सरफेस है, ऊपर बच्चों माध्यम है, विरल माध्यम, विरल माध्यम है ऊपर, रेयरर मीडियम है, सही है, और नीचे बच्चों सघन माध्यम है। एक प्रकाश किरण को बच्चों यहां से आना है, चलिए इसको मिटा दे रहे, अब तो इसका कोई काम है नहीं। सही है, चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेट लॉ। एक प्रकाश किरण को बच्चों यहां से आना है, पॉइंट ए से आना है, पॉइंट ओ पर आपतित होना है, इंसिडेंट रे है, आई है, सही है, और यह बच्चों हमारा नॉर्मल है, यह नॉर्मल है, एन है, सही है, और बच्चों इसको यह यहाँ से अपवर्तित हो जाती है, ऐसे अपवर्तित हो जाती है, और इसको आना है बच्चों बिंदु, यहाँ ओ मान लेते हैं, बिंदु बी पर आना है। सही है, कहाँ आना है बच्चों? बिंदु बी पर आना है। तो इस प्रकाश किरण ने कितना पथ तय किया? AO प्लस OB। सही है, थोड़ा सा मुड़ गई है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, थोड़ा सा झुक गई है, सब लोग समझ रहे हो हमारी बात। और यह जो मीडियम है बच्चों, इस मीडियम की हम एक लेंथ ले लेते हैं, इसका नाम है PQ, और इसका टोटल लेंथ हम मान लेंगे। अभी फॉर्मेट ने क्या बताया? फॉर्मेट ने बताया कि कोई भी प्रकाश किरण हमेशा उस पथ का अनुसरण करती है जिस पथ से होकर जाने में उसे कम से कम समय लगते हैं। मीन्स पथ के अनुसार प्रकाश किरण द्वारा तय किया गया जो समय होता है वह बच्चों शून्य होता है, बहुत ही कम होता है। मीन्स मेरी बात समझ रहे हो? टोटल जो टाइम पीरियड है अकॉर्डिंग टू पथ, मीन्स रास्ते के अनुसार जो तय की गई दूरी है उसके अनुसार टोटल जो कलेक्टिंग टाइम होता है बच्चों वह होता है जीरो, मीन्स बहुत कम। लाइट हमेशा उसी रास्ते से होके जाना पसंद करती है जिस रास्ते से होके उसे बहुत ही कम समय लगता है, जैसा कि हमने कल वॉल्यूम 1 में इसको बताया हुआ था, आज हम लोग वॉल्यूम 2 पढ़ रहे हैं। सही है, यानी AO का समय और OB का समय, यह समय अंतराल जो होगा बहुत ही कम होने वाला है, और इस आधार पर बच्चों हम अपवर्तन सिद्ध करने वाले हैं, यानी म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। कब? यदि हम फॉर्मेट रूल लगाते हैं तब। सही है, यानी यदि हम फॉर्मेट रूल का उपयोग करते हैं तो साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू म्यू आना चाहिए। तो जैसा कि हमने कल बताया भी था, फॉर्मेट लॉ
फॉर्मेट्स लॉ। फॉर्मेट्स लॉ क्या है बच्चों? dt/dx इज इक्वल टू कितना? 0। यही है फॉर्मेट लॉ। सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए आइए। तो यानी प्रकाश उस पथ का अनुसरण करती है जिस रास्ते से होकर जाने में उसे सबसे कम समय लगते हैं, यानी पथ के अनुसार तय किया गया समय 0 होता है लगभग। सब लोग देख रहे हो? चलो बहुत अच्छा, सब लोग हमारी बात सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो इसी को बच्चों जानना है, सही है? तो माना कि AO एक आपतित किरण है, OB अपवर्तित किरण है, सही है? यहाँ हो जाएगा बच्चों इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट I, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोण R, सही है? अब आइए बच्चों थोड़ा सा हम यहाँ से कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। इसको हम मिला दे रहे हैं, नॉर्मल हो गया, सही है? इसको फिर यहाँ से मिला दे रहे हैं, थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं यहाँ पर। यह है बिंदु B और यहाँ से एक लंब डाल देते हैं बच्चों, सही है? कि यहाँ हमने लंब डाल दिया, एक वहाँ लंब डाल दिया, सही है? चलिए आइए, सब लोग समझ रहे हो मेरी बात? ये बच्चों कोण R है, तो ये भी हो जाएगा कोण R, सही है? टोटल लंबाई बच्चों हमने PQ को मान लिया है, टोटल इसको मान लेते हैं L, तो इसको X मानते हैं यहाँ से यहाँ तक, आई टोटल L मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों L माइनस एक्स, सही है? पी क्यू प्रूफ कर रहे हैं, आप गिवन लिख लोगे, गिवन दिया है बच्चों dt/dx इज इक्वल टू 0। साथ ही साथ आपको लिखना होगा AO आपतित किरण है, OB अपवर्तित किरण है, सही है? बाकी सब आप लिख दोगे, बस बाकी कुछ तो है नहीं। AO आ रही है विरल माध्यम में, तो AO को मीन्स इसका स्पीड है c1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आ रही है, सही है? या v1 मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी है इसमें v1 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितना है बच्चों? तो इसका डिस्टेंस है कितना? AO, और इस माध्यम का अपवर्तनांक मान लेते हैं बच्चों n1 है, सही है? इस सघन माध्यम में इसकी वेलोसिटी है बच्चों v2 मीटर पर सेकंड और इसका अपवर्तनांक है n2, सही है? यहाँ वेलोसिटी लिख देते हैं v2 v1 मीटर पर सेकंड के वेग से एक प्रकाश किरण आ रही है। माना कि एक प्रकाश किरण बिंदु A से जिसका अपवर्तनांक n1 है v1 मीटर पर सेकंड से AO दूरी तय करती है, सही है? और वहाँ से अपवर्तित होकर v2 मीटर पर सेकंड से n2 अपवर्तनांक में प्रवेश करके OB दूरी तय करती है। इतना सब लोग लिख लेंगे, सब लोग मेरी बात समझ रहे हो? चलो बहुत अच्छा बच्चों, अगर आप इतना लिख लोगे, गिवन एक बार फिर से सुन लो, ये डैश में सामने दिया है कैसे जाना चाह रही थी। n1 अपवर्तनांक वाले विरल माध्यम से एक प्रकाश किरण v1 मीटर पर सेकंड से AO दूरी तय करती है, सही है? और बिंदुओं पर आपतित होती है, बिंदुओं से वह अपवर्तित होके सघन माध्यम में v2 मीटर पर सेकंड के वेग से n2 अपवर्तनांक में आती है, मीन्स उसका अपवर्तनांक n2 है, और OB दूरी तय करती है। साथ ही साथ फॉर्मेट लॉ से dt/dx इज इक्वल टू 0 टू प्रूव डैट सिद्ध करना है बच्चों म्यू इज इक्वल टू साइन आई ओपन साइन आर, सही है? कंस्ट्रक्शन आप लिख देंगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन आपने किया है AO लंब PQ डाला, AO लंब PQ डाला, एक और आपने कंस्ट्रक्शन खींचा है BQ लंब PQ डाला, AP लंब डाला है आपने, AP लंब PQ डाला और एक BQ लंब PQ डाला, सही है? बस
यही कंस्ट्रक्शन है गिवन, तो सब लोगों ने समझ ही लिया कि माना कि एक प्रकाश किरण बिंदु ए से जिसका अपवर्तनांक, जिस माध्यम का अपवर्तनांक N1 है, V1 मीटर पर सेकंड से AO दूरी तय करती है और N2 सघन माध्यम में अपवर्तित होती है और V2 मीटर पर सेकंड के वेग से OB दूरी तय करती है। इतना तो हो जाएगा, बहुत सिंपल वर्क है, इतना सब लोग कर लेंगे। गिवन हो गया, टू प्रूफ डैट हो गया, यही सिद्ध करना है, कंस्ट्रक्शन हो गया। बच्चों हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। सब लोग देख रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा। बच्चों थोड़ा सा हम जगह लेना चाहेंगे, यहाँ चित्र भी हमारे पास होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा हमने बच्चों जगह ले लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क होने वाला है, फोटो भी हमको दिखना चाहिए। सही है, आइए बच्चों देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं पहले बच्चों इस त्रिभुज में, ये है इसका हाइट भी मान लीजिए बच्चों, इसका हाइट मान लीजिए H1, इसका हाइट मान लेते हैं H2। सही है, ये आपतित किरण है ही, ये x है, टोटल बच्चों हमने L माना है, तो ये x है तो L-x हो जाएगा, H1 है x है, तो इस हिसाब से बच्चों कर्ण हो जाएगा H1² + x². सही है, और ये बच्चों L-x है, H2 है, तो इस हिसाब से यह जो होगा बच्चों यह हो जाएगा √H2² + L-x² सही है, कर्ण है तो हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, ये R है तो ये R हो जाएगा, I है तो बच्चों ये भी I हो जाएगा। सही है, अब आते हैं बच्चों, सबसे पहले हम चित्र नंबर त्रिभुज APO में, त्रिभुज APO में पथ है हमारा AO, पथ AO बराबर √H1² + x². सही है, बहुत अच्छा। अब आ जाते हैं, पथ हो गया, AO को तय करने में समय मान लेते हैं T1 तथा वेग V1 मीटर पर सेकंड है। सब लोग देख रहे हो ना, चलो तथा वेग कितना है बच्चों, V1 मीटर पर सेकंड है। AO को तय करने में समय T1 है तथा वेग है बच्चों V1 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक तो सही है, तो हमारे पास बच्चों टाइम है, वेलोसिटी है और यहाँ दूरी भी है हमारे पास। सही है, तो हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय हमने क्या माना है बच्चों, T1, दूरी क्या है AO, इसको तय करने में वेलोसिटी है V1, तो AO का वैल्यू है बच्चों √H1² + x² / कितना, V1, यानी यह बच्चों पहला टाइम आ गया। सही है, सब लोग हमारी बात समझ रहे हैं, T1 हो गया कितना, H1² + x². चलिए बहुत अच्छा, सब लोग देख भी रहे हैं यहाँ तक, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। हम यहाँ पर आए बच्चों, ये पथ है, इसको तय करने में टाइम T1 है, वेलोसिटी है, तो इस हिसाब से हमने पथ प्राप्त कर लिया, समय ले लिया, वेलोसिटी ले लिया, समय इज इक्वल टू दूरी अपॉन चाल से T1 आ गया, इतना सही है। तो हम इसको याद रखेंगे बच्चों कि T1 हमारा इतना है। अब आ जाते हैं, त्रिभुज बदल दे रहे हैं बच्चों, आइए चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। सही है, सब लोग थोड़ा सा तैयार हो जाइए दूसरे त्रिभुज में, इस त्रिभुज का नाम बताइए, त्रिभुज
ओ बी क्यू में, ओ बी क्यू में पथ ओ बी इज इक्वल टू रूट अंडर एस टू स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का स्क्वायर, ओ बी दूरी तय करने में लगा समय, इसको माना है बच्चों हमने टी टू, तथा वेग, क्योंकि माध्यम बदल रहा है तो वेग बदल जाएगा, तथा वेग भी टू मीटर पर सेकेंड, भी टू मीटर पर सेकेंड है, सही है। तो बच्चों हम लोग वही नियम लगाएंगे, हम जानते हैं समय बराबर दूरी अपन चाल, समय है टी टू, दूरी है बच्चों ओ बी, और इसके लिए चाल है भी टू, और ओ बी का वैल्यू है बच्चों रूट अंडर एच टू स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का स्क्वायर अपन भी टू। समीकरण तो सही है, सब लोग मेरी बात समझ रहे हो, सब लोग देख रहे हो, चलो बहुत अच्छा बच्चों, इतना तो सबको पता हो गया होगा क्या है कंडीशन। अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग यहाँ मेहनत करने वाले हैं, थोड़ा आगे मेहनत करेंगे हम लोग अब, सही है। चलिए तो थोड़ा सा हम इसको अब इधर ज़्यादा डिस्टेंस लेने वाले हैं बच्चों, सही है। फोटो से अभी तो हमें कोई काम नहीं है, अब हमें डिस्टेंस लेना है बच्चों, सही है। चलिए आते हैं डिस्टेंस लेने के लिए, चलिए आ जाते हैं, देखते हैं कहाँ तक दिख रहा है आपको। चलिए अब हम बच्चों फॉर्मेट लॉ का प्रयोग करने वाले हैं। अब फॉर्मेट के नियम से, चलिए बच्चों फॉर्मेट का नियम कहता क्या है, फॉर्मेट का नियम कहता है बच्चों डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, सही है, बहुत अच्छा। डी टाइम बच्चों इसमें दो है, टी वन प्लस टी टू इज इक्वल बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, डी टी वन अपॉन डी एक्स प्लस डी टी टू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, सही है। डी क्या आपको टी वन पता है, सब लोग देख रहे हो, चलिए यहाँ तो दिखेगा नहीं, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग बच्चों साइड में आ जाते हैं, थोड़ा सा और जगह ले लिया जाए, इधर डिस्टेंस ले लेते हैं, देखते हैं, चलिए यहाँ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है बच्चों, बारी बारी से समझेंगे इसको, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। चलिए आ जाते हैं, डी टी वन, टी वन अभी अभी आपने बच्चों प्राप्त किया है इतना, रूट अंडर एच वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही है, अपन डी एक्स बटा भी वन इतना आपने प्राप्त किया है बटे डी एक्स, सही है, प्लस डी रूट अंडर डी टू, तो डी टू है बच्चों एस टू स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का स्क्वायर बटे भी टू बटे डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, शायद आप देख रहे होंगे। चलिए बहुत अच्छा बच्चों, लास्ट लास्ट सिरे तक पहुंचा हुआ है मेरा कैलकुलेशन, सही है। चलिए फॉर्मेट के नियम से हमने इतना लिख दिया, देखना है बच्चों थोड़ा सा तो मीन्स प्रॉब्लम तो होगा ही,
आइए देख लिया जाए बच्चों, वी वन कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो वन बाई वी वन डी रूट अंडर एच वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, सही है, प्लस वन बाई वी टू डी रूट अंडर एच टू स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक भी सही है, चलिए बहुत अच्छा बच्चों। तो इसको अब हमको लिखना है, सही है, इतना सब लोग समझ रहे हो, अब हमको बड़ा सा बोर्ड चाहिए, इतना में तो होगा नहीं, तो थोड़ा सा इसकी हम चौड़ाई बढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों, सही है, यहाँ से सब लोग देख पाएंगे। चलिए आइए, चूँकि अब हमको डिफ्रेंसिएशन करना है बच्चों, फोटो अभी हमने रखा है सुरक्षित, फोटो में चलेंगे। आइए सबसे पहले बच्चों इसको लिखते हैं, वन बाई वी वन बाई वी वन डी रूट अंडर एच वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बच्चों यहाँ हम इसको ऐसे लिख देते हैं डी एच वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एच वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स, सही है। सब लोग गौर से देखिए बच्चों, वन बाई वी इतना जो लिखा है दोनों कट जाएगा, फिर इतना ही बच जाएगा, क्या नहीं बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। अब बच्चों हम इसकी शुरुआत कर देते हैं प्लस, चलिए वन बाई वी टू, फिर इसको लिख देते हैं बच्चों डी रूट अंडर एच टू स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का स्क्वायर डी एच टू स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का स्क्वायर डी एच टू स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, सही है, सब लोग देख रहे हो ना वहाँ तक, चलो बहुत अच्छा बच्चों। थोड़ा सा लंबा तो है इसलिए आपको घबराना नहीं है, आप अच्छे विद्यार्थी हैं, तेज विद्यार्थी हैं बच्चों, एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान होती है कि ज़्यादा दिमाग लगाया जाए, ज़्यादा पढ़ा जाए, तब तो ज़्यादा कोई बढ़ेगा। आओ बच्चे चलो यहाँ पर देख लो, एक फॉर्मूला लगेगा डी बाई डी एक्स रूट एक्स वन बाई टू रूट एक्स, सही है, ज़रा देखो तो ये इस फॉर्मूला पे काम कर रहा है, डी बाई डी एक्स रूट एक्स, बिल्कुल सही है, तो फॉर्मूला है वन बाई टू रूट एक्स, तो बच्चों लिख देंगे वन बाई वी वन इसके जगह वन बाई टू रूट एक्स के जगह एच वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका काम हो गया, ओके। फिर हमारे पास बच्चों इनटू है, एक बार है हमारे पास क्या डी एच वन स्क्वायर डी एक्स प्लस कितना है डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, एक बार हमारे पास इतना बच गया, सही है। आ जाते हैं बच्चों यहाँ पे, फिर बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो शायद आप समझ जाएंगे, डी बाई डी एक्स रूट अंडर एक्स, इसको एक्स मानिए बच्चों, डी बाई डी एक्स रूट एक्स, फिर फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों वन बाई टू रूट एक्स, तो एच टू स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का स्क्वायर, सही है। उसके बाद बच्चों आ जाओ यहाँ पे अलग अलग लिख दो, फिर इनटू डी एच टू स्क्वायर पटा डी एक्स प्लस डी एल माइनस एक्स का स्क्वायर डी एल माइनस एक्स डी एल माइनस एक्स अपॉन डी एक्स,
ऐसे लिख दिया बच्चों हमने इसको, इसका तो फॉर्मूला लिख दिया सीधे इतना होता है। अब इसका डी सी किया डी एच टू स्क्वायर, उसके बाद बच्चों प्लस हमारे पास बच गया एल माइनस एक्स का स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसे है सही है, सब लोग समझ रहे हो हमारी बात, चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पर चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। अब इसमें बड़ा सा कोष्ट लगा दो ज़्यादा दिक्कत है तो, अब अच्छा लगेगा सही है। चलिए तो इसका तो बच्चों हो गया वन बाई वी टू बाहर, इसका वन बाई टू रूट इतना, इसके बाद इसका डी सी, उसके बाद बच्चा बच्चों डी एल माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एल माइनस एक्स का स्क्वायर है तो अपने मन से बच्चों हमने डी एल माइनस एक्स लिख दिया, फिर डी एल माइनस एक्स कट गया, फिर डी एक्स हो जाएगा। चलिए सब लोग देख रहे हो, आ जाओ यहाँ पे वन बाई वी वन सही है। चलो इसको वैसे ही लिख देते हैं बच्चों, वन बाई टू रूट एच वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो बच्चों यहाँ देख लो थोड़ा सा गुना में अंदर क्या है, इसका तो वैल्यू बच्चों जीरो होगा, डी बाई डी एक्स एच कॉन्स्टेंट है तो जीरो। अब बच्चों प्लस यहाँ पे देख लो डी एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर टू एक्स, इसका काम ओके हो गया इधर, प्लस वन बाई वी टू। चलो मझला कोष्ट बड़ा कोष्ट में ही डालो सारा मटेरियल, सब लोग देख रहे हो ना। चलो बहुत अच्छा बच्चों, ज़्यादा कैलकुलेशन है इसलिए भागना नहीं है, कुछ तो कैलकुलेशन है गणित का, इससे घबराएंगे नहीं। और आप लोग तो अच्छे विद्यार्थी हैं, तेज विद्यार्थी कभी भागते नहीं हैं, और जो रन छोड़ के भागते हैं कभी जीतते नहीं हैं, और जीत मीन्स तैयारी करने वालों की कभी हार नहीं होती सही है। इसका तो बच्चों हो जाएगा वैल्यू कितना जीरो। चलिए डी बाई डी एक्स बच्चों इसको थोड़ा देर के लिए एक्स मानो, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर टू एक्स टू एल माइनस एक्स सही है, फिर इनटू चलो डी एल बाई डी एक्स बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, डी एल बाई डी एक्स तो यहाँ हो जाएगा बच्चों जीरो, और डी एक्स बाई डी एक्स माइनस वन, कोस्ट बंद बराबर जीरो सही है। चलो बच्चों यहाँ पर आ जाते हैं, अब कहाँ पर जगह, अब तो मिटाना ही पड़ेगा, मिटा दे बच्चों बहुत अच्छा सब लोग। अब आप भी बोलोगे कि कितना गणित पढ़ाते हैं बच्चों, फिजिक्स इज द किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स जो है सभी विषयों का राजा है बच्चों, इसलिए ज़्यादा मैथमेटिक्स तो मिलेगा ही, और मैथमेटिक्स इज क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट, और मैथमेटिक्स जो है बच्चों सभी सब्जेक्ट की रानी है, तो फिजिक्स राजा है, मैथमेटिक्स रानी है, राजा रानी तो रहेंगे ही किसी कहानी में सही है। तो आइए बच्चों इसको ज़रा देख लिया जाए, वन बाई भी वन, और ये बच गया बच्चों कितना 2x अपॉन टू रूट अंडर एच वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई वी टू, ऊपर कितना बचा 2l माइनस एक्स माइनस वन, 2l माइनस एक्स माइनस वन, नीचे कितना बच गया बच्चों 2 रूट ओवर एच टू स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स सही है। टू से टू बच्चों कट गया, टू से टू कट गया सही है, और यहाँ बच्चों बच गया वन बाई भी वन। अब बचा कितना बच्चों एक्स बटा कितना एच वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सही है, प्लस माइनस प्लस माइनस वन बाई वी टू एल माइनस एक्स रूट अंडर
एच टू स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सही है बच्चों, अब इसको ढूंढना है। सही है, सब लोग आइए जरा हम लोग इसको फोटो में ढूंढें कहाँ है ये, निश्चित रूप से मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा ना। सही है, चलिए बच्चों बिल्कुल हमने कैमरा टू द पॉइंट लगाया है कि ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। आइए बच्चों जरा ढूंढ लिया जाए, वन बाई वी वन एक्स बाई रूट अंडर इतना। देखिए तो बच्चों ये है आई, आई के सामने ये लंब, ये कर्ण, लंब बाई कर्ण यानी साइन आई है। सही है, साइन आई माइनस वन बाई वी टू। चलिए बच्चों इसको ढूंढना है, आर के सामने एल माइनस एस लंब है और ये कर्ण है, लंब बाई कर्ण साइन आर इज इक्वल टू जीरो। सही है, सब लोग देख रहे हो, थोड़ा सा ऊपर ही चलना पड़ेगा। चलो एक लाइन नीचे लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन आई बाई वी वन, इसको इधर भेज दो बच्चों, साइन आर बाई वी टू। सही है, अब मिटा दें। अब लास्ट स्टेज में हम लोग हैं बच्चों, और थोड़ा सा कठिन तो है ही। आइए आ जाते हैं बच्चों, इसको इधर कर दिया जाए, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू। बट हम लोग जानते हैं बच्चों वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू होता है बच्चों एन टू बाई एन वन होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बच्चों साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन। सही है, सब लोग समझ रहे हो, और एन टू बाई एन वन को ही बच्चों एन या म्यू बोलते हैं। सही है, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू म्यू, और यही है बच्चों स्नेल का नियम, यानी अपवर्तन का नियम। सब लोग हमारी बात समझ गए हो, चलो बहुत अच्छा बच्चों। तो हमने यहाँ पर लिया क्या था, तो हमने लिया था बच्चों फॉर्मेट लॉ। फॉर्मेट ने बताया कि लाइट हमेशा उसी रास्ते का अनुसरण करती है जिस रास्ते से होके टोटल कलेक्टिंग टाइम टेंड्स टू जीरो होता है, मीन्स पथ के अनुसार, बाय द पथ द टोटल कलेक्टिंग टाइम ऑफ ए रे लाइट टेंड्स टू जीरो इज कॉल्ड फॉर्मेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, मीन्स प्रकाश किसी उस पथ का अनुसरण करती है जिस पथ से होकर बच्चों उसे बहुत ही कम समय लगता है। तो हमने लिया फॉर्मेट लॉ, और फॉर्मेट लॉ से बच्चों हमने दिखाया स्नेल का नियम, जो कि फॉर्मेट के लॉ का सत्यापन भी करता है। तो निश्चित रूप से आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने निश्चित रूप से इसको समझा होगा, तो आप इसको बिल्कुल अपने मन में बैठा लेंगे। सही है, और एक अच्छी तैयारी करेंगे, और कल हम लोग एक बच्चों नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे जिसका नाम होगा डिफ्रैक्शन इन मीन्स डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सही है, यानी हम लोग पढ़ पाएंगे बच्चों अब प्रकाश का विवर्तन कल से। तो बने रहिए प्रतिदिन मेरे साथ, और देखते रहिए मेरा प्यारा सा चैनल टर्निंग पॉइंट ऑफिशियल सब्जेक्ट साइंस। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।